हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत दौरे पर आए सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल, कई केंद्रीय मंत्री और सऊदी अरब के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। भारत के दौरे पर आए सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। द्विपक्षीय वार्ता के लिए दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे सऊदी पीएम का प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी और उनके सऊदी समकक्ष मोहम्मद बिन सलमान ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा और रणनीतिक साझेदारी की क्षमता को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। पीएम मोदी और उनके सऊदी समकक्ष ने भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने हैदराबाद हाउस में आयोजित भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता को अहम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब को भारत का महत्वपूर्ण साझेदार बताया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ मुलाकात को लेकर पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हिज रॉयल हाइनेंस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ बहुत सार्थक बातचीत हुई और दोनों देशों ने अपने व्यापार संबंधों की समीक्षा की। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला द सिल्वा ने G20 के सफल आयोजन को लेकर भारत की तारीफ की है। लुला द सिल्वा ने कहा है कि हमें भारतीय लोगों से बहुत गर्मजोशी मिली है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने कहा कि अगले साल G20 की मेजबानी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान बहुपक्षीय संस्थानों के सुधार और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पर चर्चा होगी। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने कहा कि भारत मंडपम में हुआ G20 शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक रहा और दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। भारत की अध्यक्षता में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन देश दुनिया में सुर्खियों में है और विदेशी मीडिया में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने दिखा दिया है कि वो वैश्विक विभाजन को पाट सकते हैं। अमेरिकी मीडिया में लिखे गए लेखों में परोक्ष रूप से भारतीय कूटनीति को सराहा गया है। दिल्ली डिक्लेरेशन पर पहले ही दिन सबकी सहमति दुनिया भर में चर्चा का सबब है। दक्षिण अफ्रीका की मीडिया में भी पीएम मोदी की तारीफ की गई है। दक्षिण अफ्रीकी मीडिया ने अपना फोकस अफ्रीकन यूनियन के G20 सदस्य बनने पर किया। चीन ने G20 की तारीफ करते हुए आज कहा कि G20 के नई दिल्ली घोषणा पत्र ने एक सकारात्मक संकेत दिया है कि प्रभावशाली समूह के सदस्य देश वैश्विक चुनौतियों से निपटने और आर्थिक सुधार के लिए हाथ मिला रहे हैं। भारत सऊदी निवेश फोरम 2023 को संबोधित करते हुए सऊदी अरब के निवेश मंत्री खालिद अल फली ने भारत की मेजबानी को सराहते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के सफल आयोजन को सराह रही है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत पश्चिम एशिया यूरोप कॉरिडोर की घोषणा की गई और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रशंसा भी की। इसराइल पीएम ने कहा कि इस ऐतिहासिक परियोजना से पश्चिम एशिया और इसराइल के साथ पूरे विश्व को फायदा पहुंचेगा। 130 वर्ष पहले शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए भाषण के मौके पर आज पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। पीएम ने लिखा, स्वामी विवेकानंद का भाषण आज भी वैश्विक एकता सद्भाव के शंखनाद के रूप में प्रतिध्वनित होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आचार्य विनोबा भावे को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सामाजिक सुधार और हाशिए के लोगों के उत्थान के प्रति उनका अटूट समर्पण हमें आज भी प्रेरित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को दिल्ली के पूसा परिसर में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पौध प्राधिकरण केंद्र का भी अनावरण करेंगी और कृषि जैव विविधता में संरक्षण प्रयासों के लिए 6 किसानों समुदायों और व्यक्तिगत तौर पर 20 किसानों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री गंगा घाट गए जिसके बाद उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन किए। 12वें भारत ब्रिटेन आर्थिक वित्तीय संवाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके ब्रिटिश समकक्ष जेरेमी हंट ने शिरकत की। एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में लगातार वृद्धि हो रही है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेरेमी हंट के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत यूके फाइनेंसिंग ब्रिज की शुरुआत की घोषणा की।
ब्रिटेन के वित्त मंत्री के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग जैसी उभरती तकनीकों में दोनों देशों के लिए सुरक्षित और समावेशी वित्तीय मध्यस्थता के लिए सहयोग के अवसर हैं। ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत होगी और इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अभियान के तहत आरोग्य लक्ष्य सेवा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भव अभियान के तहत देश भर में 1,17,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आयुष्मान मेला वहां पर लगाया जाएगा जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का उपचार होगा। मध्य प्रदेश की शिवनी में रोड शो के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को साझा करते हुए कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटाने से लेकर हर घर में तिरंगा फहराना मोदी जी की ही देन है। शिवनी में रोड शो के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने महाकाल धाम से लेकर भव्य राम मंदिर बनाने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में संपन्न G20 की सफलता को मोदी सरकार की देन बताया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया के सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक वैश्विक मॉडल के तौर पर पेश किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर CSIR निस्पर की विज्ञान मीडिया संचार सेल सहित विज्ञान पत्रिकाओं का उद्घाटन किया गया और इस दौरान शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2022 की भी घोषणा की गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने G20 में अपनी वैज्ञानिक उपलब्धि को दर्शाया है। भारत के पास दुनिया को अपनी क्षमताएं दिखाने का सुनहरा अवसर है और निस्पर इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन के लिए केंद्र सरकार की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि भारत के 58 शहरों में 200 बैठकों के आयोजन से G20 एक देशव्यापी कार्यक्रम बन गया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते दो दिन से भारी बारिश जबकि कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। राजधानी लखनऊ में बीती रात से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। DM ने कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग केंद्र ने देहरादून समेत 11 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। भारत और दक्षिण कोरिया अपने राजनयिक संबंध की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के विशेष सचिव अश्विनी कुमार पांडे ने कहा कि इसी क्रम में राज्य के विभिन्न शहरों में मंगलवार से दक्षिण कोरिया के मशहूर के पॉप संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। भारत दक्षिण कोरिया राजनयिक संबंध की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम के बारे में बताते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के विशेष सचिव अश्विनी कुमार पांडे ने कहा कि कार्यक्रम का मकसद दोनों देशों के आपसी संबंधों को अधिक प्रगाढ़ बनाना है। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिग्गज जाट नेता नाथूराम मिर्धा की पोती और पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने आज भाजपा का दामन थाम लिया। नागौर से सांसद रह चुकी ज्योति मिर्धा को राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष CP जोशी और राजस्थान चुनाव प्रभारी अरुण सिंह ने दिल्ली में पार्टी के सदस्यता दिलाई। ज्योति के साथ ही सवाई सिंह चौधरी भी भाजपा में शामिल हुए। BJP के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान चुनाव प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान में परिवर्तन की हवा चल रही है। कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़कर BJP में आने का सिलसिला लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पत्र साझा करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल में आपातकाल जैसी स्थिति है। ये पत्र आनंद बाजार पत्रिका के खड़गपुर संवाददाता देवमालिया बागची की गिरफ्तारी से संबंधित है। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू को राजमुंदरी सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। आंध्र प्रदेश की विपक्षी पार्टी TDP ने नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में राज्यव्यापी बंद किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर के श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रमोद सावंत महाकाल मंदिर में भगवान की अलौकिक भस्म आरती में शामिल हुए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने असम विधानसभा के नए भवन के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया।
कर्नाटक के बेंगलुरु में निजी परिवहन यूनियन ने कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई शक्ति योजना के खिलाफ कई घंटों तक प्रदर्शन किया। परिवहन मंत्री आर रामलिंगा रेड्डी के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म हुई। यूनियन की मांग थी कि इस योजना को वापस लिया जाए। महाराष्ट्र के ठाणे में 40 मंजिला इमारत से लिफ्ट से गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर हंजीवेरा पट्टन में सुरक्षा बलों को बम संभावित आईईडी होने की जानकारी मिली, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और बीडीएस ने इस मौके पर पहुंचकर बम को निष्क्रिय किया। तमिलनाडु के तिरुपथुर में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया और यहां फुटपाथ पर बैठे 7 लोगों की वैन से कुचलने से मौत हो गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ग्रीन फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तहत भारत को रियायती ब्याज दरों पर लोन देने की घोषणा की है। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आए एडीबी अध्यक्ष मासासुगु अस्कावा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत की। इस दौरान एडीबी अध्यक्ष अस्कावा ने कहा कि वो भारत के विजन पाने के लिए ग्रीन फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तहत रियायती ब्याज दरों को पर लोन देगा और साथ ही उन्होंने G20 में भारत के एजेंडा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को सराहा। उन्होंने पीएम मोदी के विजन को भारत के लिए एडीबी कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी 2023 से 2027 के तहत सपोर्ट किया। भारत की मेजबानी में हुए सफल G20 शिखर सम्मेलन के बाद आज शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निफ्टी ने हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी ने पहली बार रिकॉर्ड 20,000 का आंकड़ा पार किया। वहीं सेंसेक्स 558 अंकों की तेजी के साथ 67,127 के स्तर पर बंद हुआ। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में आज सोना 50 रुपए की गिरावट के साथ 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी की कीमत 527 रुपए की तेजी के साथ 72,090 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज कच्चे तेल की कीमत 0.34% की गिरावट के साथ 7,235 रुपए प्रति बैरल हो गई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया आज 1 पैसे की गिरावट के साथ 83.03 प्रति डॉलर के भाव पर बंद हुआ। म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए अगस्त के महीने में 15,813 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश हुआ। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल रूस के व्लादिवोस्तोक में होने वाली पूर्वी आर्थिक मंच यानी कि EEF की बैठक में भाग लेने के लिए आज रवाना हुआ। भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद ने आज कहा कि भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा एक क्रांतिकारी परियोजना साबित होगी और इससे वैश्विक कारोबार को भारी बढ़ावा मिलेगा। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड का टोल संग्रह अगस्त महीने में 24% बढ़कर 417.2 करोड़ रुपए रहा। भारतीय खाद्य निगम ने खुदरा कीमतों को काबू रखने के लिए खुला बाजार बिक्री योजना के तहत पिछले सप्ताह 11वीं ई नीलामी के जरिए केंद्रीय पूल से 1.66 लाख टन गेहूं और 17,000 टन चावल बेचा है। पाकिस्तान की आर्थिक मंदी का असर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक भी पहुंच गया है। POK में इन दिनों जमकर पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां बसे लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें पाकिस्तान से निजात दिलाने की मांग की। आसमान छूती महंगाई, भोजन की कमी और अत्यधिक कर लगाने के खिलाफ POK के शहरों, कस्बों और गाँवों में लोग सड़कों पर उतर आए। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन वियतनाम पहुंचे। बाइडन ने हनोई में वियतनामी समकक्ष वो वान थुआंग से मुलाकात की। अमेरिका और वियतनाम ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। जो बाइडन ने हनोई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान बाइडन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलूंगा। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका चीन को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। मैक्रों नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे थे। भारतीय अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल सहित अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश कर घृणा, अजनबियों या विदेशी लोगों के प्रति नफरत या डर
और 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद पूरे अमेरिका में अरब मुसलमानों, दक्षिण एशियाई और सिख समुदायों के प्रति नस्लवाद भावना की निंदा की। मोरक्को में पिछले 6 दशकों में आए सबसे भीषण भूकंप में अब तक 2500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 2400 से ज्यादा लोग इसमें घायल होने की खबर है, जिनमें 1400 के करीब लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। भूकंप से कई शहर बुरी तरह से तबाह हो गए। भूकंप से बचे लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग आश्रय के लिए भटक रहे हैं, उनके सामने खाने पीने की भी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। अभी भी कई लोगों के मलबे में नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। भूकंप प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान जारी है। सरकार द्वारा 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भूकंप से 3 लाख लोगों के प्रभावित होने का अनुमान लगाया है। ब्रिटेन ने भूकंप प्रभावित मोरक्को में बचाव अभियान के लिए खोज और बचाव दल भेजा है। ब्रिटेन की खोज टीम भूकंप में जीवित बचे लोगों को खोजने के प्रयासों में मदद करेगी। इस विनाशकारी भूकंप के बाद खोज और बचाव अभियान में मदद के लिए स्पेनिश बचाव दल बॉम्बरोस यूनिडोस सिन फ्रंटेरास मोरक्को पहुंच गया है। यूक्रेन के शहरों में रूस के हवाई हमले जारी हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हवाई हमले किए। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि कीव और उसके क्षेत्र में लगभग 2 घंटे तक विस्फोट हुए और शहर के कई केंद्रीय जिलों पर ड्रोन का मलबा गिरा। जर्मन विदेश मंत्री एनालिना बेयरबॉक ने कीव का दौरा किया, मानवाधिकार एजेंसी से मुलाकात की। पूर्वी लीबिया में आए एक बड़े भूमध्य सागरीय तूफान और बाढ़ में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ की वजह से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ, बचाव अभियान जारी है। दक्षिण पश्चिमी स्पेन में आज भारी बारिश हुई। आंधी और बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। आंधी और बारिश की वजह से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया। नए कोविड स्वरूप को लेकर चिंता के बीच ब्रिटेन में सर्दियों में टीके की अतिरिक्त तो खुराक दी जाएगी। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने आज चिकित्सकीय रूप से बेहद संवेदनशील लोगों के लिए शीतकालीन कोविड टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। कोविड के नए स्वरूप BA.2.86 के बारे में चिंताओं को लेकर इसे पहले अक्टूबर की शुरुआत में लागू करने की योजना बनाई गई थी। पाकिस्तान के पेशावर में आज एक अस्पताल के पास सुरक्षा बलों के एक वाहन को निशाना बनाकर किए गए बम विस्फोट में अर्धसैनिक बल के एक कर्मी की मौत हो गई और 4 कर्मियों सहित कई अन्य लोग घायल हो गए। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक विशेष अदालत में आज याचिका दायर कर अटक जेल के अधीक्षक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 357 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है। जवाब में पाकिस्तान ने 30 ओवर में 7 विकेट खोकर 119 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने शतकीय पारी खेलकर इतिहास रच दिया है। ये वनडे में कोहली का 47वां शतक है। वो वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। KL राहुल ने वनडे क्रिकेट में जोरदार वापसी की है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के सुपर फोर में शानदार शतक लगाया। राहुल का वनडे में यह 6ठा शतक है। ICC वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी केन विलियमसन के हाथों में होगी और टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ युवा खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम US ओपन की समाप्ति के बाद नई रैंकिंग जारी कर दी गई है। US ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले सर्बिया के नोवाक जोकोविच एक बार फिर से विश्व के नंबर एक पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए। US ओपन के सेमीफाइनल में शिकस्त खाने वाले स्पेन के युवा खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ATP रैंकिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। फाइनल में जोकोविच से हारने वाले रूस के डैनिल मेदवेदेव 3रे स्थान पर बने हुए हैं। महिला रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान पर फेरबदल देखने को मिला है। लंबे समय से शीर्ष पर चल रही श्वांतेक को हटाकर बेलारूस की आर्यन सबालेंका ने महिला एकल रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उन्हें US ओपन के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। US ओपन का खिताब जीतने वाली युवा अमेरिकी खिलाड़ी कोको गॉफ को रैंकिंग में 3 स्थान का फायदा मिला है। करियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाली गॉफ 3रे स्थान पर पहुंच गई है। US ओपन में पुरुष युगल में उपविजेता रहने का फायदा भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को मिला है। बोपन्ना ताजा रैंकिंग में 7 स्थान के फायदे के साथ विश्व 7वें स्थान पर पहुंचे हैं। केनिया की लंबी दूरी की धावक एक्रेस
एनजेटिच महिलाओं की 10 किलोमीटर रेस में विश्व रिकॉर्ड बनाने में सफलता पाई है। उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स इलाइट लेबल रोड रेस में 29 मिनट 24 सेकंड का समय निकालकर रिकॉर्ड अपने नाम किया। जर्मनी फुटबॉल टीम की कोच हैंसी फ्लिक और को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। फ्लिक की बर्खास्तगी का फैसला जापान के खिलाफ मिली करारी हार के बाद दिया गया है। जापान के खिलाफ जर्मनी को 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण अमेरिकी विश्व कप क्वालिफायर में विश्व विजेता अर्जेंटीना का सामना बोलीविया से होगा। पिछले मुकाबले में इक्वाडोर को 1-0 से हराने वाली अर्जेंटीना की टीम इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। एक अन्य दक्षिण अमेरिकी विश्व कप क्वालिफायर में ब्राजील का सामना पेरू से होगा। इस मुकाबले के लिए ब्राजील के खिलाड़ियों ने लीमा में जमकर अभ्यास किया। पिछले मुकाबले में ब्राजील ने बोलीविया को 5-1 से हराने में सफलता पाई थी। किंग खान शाहरुख खान की फिल्म जवान का धमाल लगातार जारी है। इस फिल्म ने अब तक देश भर में 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं फिल्म जवान अपनी रिलीज के पहले सप्ताहांत में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 520 करोड़ रुपए कमा चुकी है। ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म पुष्पा की टीम ने पुष्पा 2 के रिलीज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं पुष्पा 2 अगले साल 15 अगस्त के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म का नाम थलाइवर 171 रखा गया है। जानी मानी अदाकारा शर्मिला टैगोर और अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता एक नई बंगाली फीचर फिल्म पुरातन में मां बेटी के किरदार में नजर आने वाली हैं। अभिनेता पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा स्टारर फिल्म फुकरे 3 का नया गाना फुकरे वे आज रिलीज हो गया है। इस गाने को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म जिगर ठंडा डबल एक्स का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में अभिनेता राघव लॉरेंस और एस जे सूर्या अपने अभिनव का जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। फिल्म प्यारी तारावाली 2 द ट्रू स्टोरी की पहली झलक को रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में अभिनेत्री डॉली तोमर नजर आ रही हैं। यह फिल्म 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्मिंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक कल्चर खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना, जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज कम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं, जो गरीब के स्कूल में गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च करना चाहिए वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार।
मैंने आपसे पूछा, मैंने आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने, और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ दो टू। देखिए मेरे साथ दो टू सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।